नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन जो है धीरे धीरे अपने पैर भारत में भी पसारता नजर आ रहा है। विदेशों में इसकी काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल चुके हैं, स्पेशली ब्रिटेन के अंदर और अमेरिका में भी देख रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लोगों को लॉकडाउन की चिंता सताने लगती है कि लॉकडाउन लग जाएगा, उनके कारोबार ठप पड़ जाएंगे और दुकानदारी पर असर पड़ेगा। अगर आपको भी इसी चीज़ का डर सता रहा है तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है मार्केट में माई बिग ब्लिस ऐप। ऐप की स्पेलिंग का नाम है MYMYBIGBLISSS माई बिग ब्लिस। ये एक ऐसी ई कॉमर्स ऐप है जिसके द्वारा आप लॉकडाउन में भी भरपूर पैसा कमा सकते हैं, अपनी ग्राहक की बचा सकते हैं। ये ऐप आपकी सेल को सिर्फ बचाएगी नहीं ओमिक्रॉन से बल्कि बढ़ाएगी भी। इस ऐप से फ़ायदा उठाने के लिए करना छोटा सा ये काम होगा, फ़ोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद अपना स्टोर बनाना है। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं इस ऐप पर, आप इस ऐप पर उसका स्टोर बना सकते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स लाइव कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक रुपया खर्च नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐप बिल्कुल मुफ्त है। तो आप इस ऐप का फ्री में भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें अपने फ़ोन में माई बिग ब्लिस ऐप। इसके साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की कम्युनिटी बाजार के अपडेट की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1810 पर है और सिल्वर $23 पर कारोबार करती नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि सिल्वर भी आज कल के मुकाबले थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, $23 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, गोल्ड $1810 पर। हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो केसेस निकल के सामने आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है अभी भी भारत के भी अंदर और विदेशों में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन भारत में इतने ज़्यादा नहीं है और इसका जो इम्पैक्ट है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इतना देखने को अभी तक हाल फिलहाल में नहीं मिला है। हालांकि अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो ओमिक्रॉन केस होगा वो डेल्टा से काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड की जो एक सेफ हेवन डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। लेकिन निवेशकों को अब भी ऐसा लग रहा है उनकी सोने चांदी की कीमतों पर नज़रें हैं और ओमिक्रॉन की केसेस पर ही कि कब ओमिक्रॉन की केसेस बढ़े और गोल्ड सिल्वर की जो कीमतें हैं वो हाइक्ड अप हो। तो ऐसे में सोने चांदी में असमंजस की स्थिति में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस आ तो रहे हैं भारत में भी, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने व्यापक तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही इसका कोई इम्पैक्ट इतना देखने को मिल रहा है जितना डेल्टा वेरिएंट का देखने को मिला था। ऐसे में एक जो सेफ हेवन डिमांड है गोल्ड की वो भी कहीं ना कहीं अब खोती नजर आ रही है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं बीच में अटकी हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब तक ओमिक्रॉन की केसेस का इम्पैक्ट पूरी तरह से साफ नहीं हो जाएगा, पिक्चर क्लियर नहीं हो जाएगी, क्या तब तक सोना चांदी ऐसी एक सीमित दायरे में ट्रेड करते रहेंगे? देखिए फिलहाल यही एक रेंज जो है वो सोने और चांदी में बनती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले में देखा जाए तो सोना थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएस में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसके चलते अभी प्राइजेस थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स जो है उनका भी जो इंटरेस्ट है वो सोने की तरफ हो सकता है कि घूमता हुआ दिखाई दे, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड जो है सोने में अब निकलती हुई दिखाई दे सकती है। उधर यूएस रिटेल सेल्स के आंकड़े भी बढ़कर निकले हैं, तो अभी जो इम्पैक्ट है वो देखिए अभी जो मेन फोकस रहेगा वो ओमिक्रॉन के ऊपर ही रहेगा कि ओमिक्रॉन के चलते इकोनॉमी के ऊपर कैसा असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और माना ये जा रहा है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली सोने और चांदी के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और प्राइजेस जो है ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे में सेफर साइड देखा जाए तो हर निचले स्तर पर सोने और चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए और रेंज जो बनती हुई आज इंट्राडे में दिखाई दे रही है वो 48,000 से लेकर 48,300 तक ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 300 से 500 तक की अपसाइड मैक्सिमम बन सकती है और नीचे में डाउनसाइड 48,000 है। तो आई थिंक यहां पर भी इनिशियली अगर
किसी को शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी बनानी हो तो 48,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां पर बाइंग किया जा सकता है और ऊपर में 48,500 तक मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल इस रेंज के दरमियान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, अपसाइड है, डाउन साइड पर बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। जब भी बाजार में करेक्शन आए वहां पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। तो आई थिंक 62,000 का भी हाल फिलहाल में स्टॉप लॉस बनाया जा सकता है और ऊपर में जो टारगेट है 62,500 से लेकर 800 मैक्सिमम अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी नहीं है लेकिन बाजार एक रेंज में 200 से 250 पॉइंट में घूमता हुआ चांदी में भी और ऐसे ही मार्जिन 50 से 100 पॉइंट में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो निचले स्तर पर खरीदारी की ही होनी चाहिए। जी, तो यानी कि अभी सोना और चांदी दोनों ही अभी एक सीमित दायरे में यानी एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ सकते हैं। ऊपर में भी कीमतें जाएंगी, नीचे में भी जाएंगी, लेकिन रूपा जी के अनुसार स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि जब कीमतें नीचे जाएं तब वहां पे खरीदारी करें और ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली करें। इससे रूपा जी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड में देख रहे हैं कि आज कुछ बढ़त है कल के मुकाबले। WTI में देख रहे हैं $75 का लेवल है और ब्रेंट क्रूड ऑयल में $78 का। रूपा जी, अब खबरें ये थी पहले तो कि US में इन्वेंट्रीज में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी बनी थी। वहीं अब ये भी देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो केसेस लगातार विदेशों में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ एयरलाइंस पर पाबंदियां भी लगी हैं। एयरलाइंस में भी थोड़ी कच्चे तेल की जो मांग है एयरलाइंस की तरफ से वो कम देखने को मिली है। दूसरा, विदेशों में क्रिसमस की ईव पर और नए साल के ईव के लिए भी छुट्टियाँ दी गई हैं, हॉलीडेज का मौका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कच्चे तेल की कीमतें ऐसे में घटनी चाहिए थी मांग कम होने से, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ती जा रही है, आपको इसके पीछे का कारण क्या लगता है? देखिए, जो कच्चा तेल है वो काफी न्यूज बेस्ड रहा है और अभी भी देखिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो इस साल जो है जो ये दिसंबर में अभी ये जो ईयर खत्म होने वाला है ऑयल प्राइसेस लगा तकरीबन 50% जो है वो बढ़े हैं और अभी देखिए जो ये 50% भी बढ़ते हुए में दिखाई दिए हैं सालाना बेसिस पर, दरअसल डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच की वजह से देखने को मिला है। ओपेक देशों ने सप्लाई कट की है और अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी आगे वेट 4 जनवरी को ओपेक की मीटिंग होनी है। अब उसमें डिसाइड होगा कि जो 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाएगा फरवरी में या कितना होगा उसके ऊपर अभी नजरें रहेंगी। 4 जनवरी को बैठक है, उससे पहले कच्चे तेल में काफी उठा पटक का माहौल बना रह सकता है। और जहां तक ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट की बात है, अभी फिलहाल जो मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड का कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है, इस वजह से डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए कच्चा तेल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 4 जनवरी को ओपेक देशों की बैठक है, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी, लेकिन उसके पहले कच्चा तेल एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करेंगे बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं आज बढ़त देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स का बाजार आज शानदार तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपकी तरफ से किस बेस मेटल में क्या लेवल्स रहेंगे आज इंट्राडे के लिए? देखिए, बेस मेटल में अभी फिलहाल पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि चाइना से अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बेस मेटल काफी सपोर्टिव है। और कॉपर में भी जैसे कि मैंने हमेशा ही बोला है कि निचले स्तरों पर बाय कीजिए और 760 तक के टारगेट ऊपर में आप मान के चलिए देखने को मिल सकते हैं। और अभी आप देखिए आज भी 753 के आसपास बाजार है, तो आज मुझे लगता है कि नीचे में रेंज जो है वो 748 तो ऊपर में 760 की बनती हुई दिखाई दे सकती है, एक अच्छा बुल रन आ सकता है। वहीं अगर निकल की बात करें तो निकल भी 1560 के आसपास ही सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, नीचे में 1520 है ऊपर में 1560 से 1580 की रेंज है। फिलहाल सभी मार्केट जो है देखिए रेंज बाउंड है, चाहे वो सोना चांदी हो, कच्चा तेल हो या फिर बेस मेटल्स की बात करें, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि बाजारों में एक सीमित दायरे में इस साल के एंड तक अभी कारोबार देखने को मिल सकता है। ईयर ऑन बेसिस पर अगर देखा जाए तो सभी कमोडिटीज में अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है और आज के लिए इंट्राडे में रेंज जो है वो काफी लिमिटेड देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, यहीं से बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में कैसा ट्रेंड रहेगा? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल गैस आज लगभग 2% की तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। देखिए, नेचुरल गैस में अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो पॉजिटिव हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर देखा जा रहा है कि नेचुरल गैस ऊपर में 320 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड पकड़ती हुई दिखाई दे सकती है और 320 के बाद थोड़ा सा डाउनसाइड जो है वो 280 तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि नेचुरल गैस की भी अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 280 से लेकर 320 तक मार्केट फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री मैन
आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए, इंटरडे के लिए आपकी तरफ से, जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि सोने चांदी में बाइंग किया जा सकता है और इसी के साथ बेस मेटल्स में भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने चांदी में बाई करके चला जा सकता है आज इंटरडे के लिए, और बेस मेटल्स में भी उसी के साथ साथ निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है।